तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 हिंदी विषय का पूरा पेपर। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ में मैं यहां से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पेपर आपका किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि यहां से मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग अच्छे नंबर ला सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहां पर ये निर्देश आपको दिए गए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है, आप समझ लेना है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्पों का चयन करके आपको यहाँ से लिखना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सही विकल्पों का चयन आपको किस प्रकार से कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कौन सा काल कहलाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा भक्ति काल। क्या लिख लेना है इस जगह से, यहाँ से आपको भक्ति काल लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आपको लिख लेना ईश्वर का, कबीर ने कुमार को ईश्वर का प्रतीक माना है, तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, बेबी हालदार जो थी घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी, तातूस के नाम से पुकारती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटकथा की मूल इकाई होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य, यहाँ से आप लोगों को दृश्य नोट कर लेना है। अब उसके बाद 6 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो देखिएगा 6 नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को अगर देखा जाए तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा नाभिक। तकनीकी शब्द कौन सा है, नाभिक होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, रिक्त स्थान पूर्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को पूरा कर लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा है, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा सपने। तो सपने यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत भरोस कविता के रचयिता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गीत भरोस कविता के रचयिता कौन है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है भवानी, और इसके बाद प्रसाद, और उसके बाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र प्यारे विद्यार्थियों गीत भरोस कविता के रचयिता है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन को क्या लिखा है, भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य रहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है, वीणा। उसके बाद 5वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, डायरी नितांत रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों डायरी कैसी, नितांत वैयक्तिक रचना है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण 1 है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण 1 क्या है, ये है महाकाव्य, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना महाकाव्य। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7वें को शब्द युग्म के प्रकार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों शब्द युग्म के कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं जोड़ी के मिलान को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी के मिलान को आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहले नंबर पर लिखा सबसे खतरनाक, तो देखिएगा सबसे खतरनाक की जोड़ी का मिलान कर लेना आपको अवतार सिंह संधू पास से। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा भारत माता,
तो भारत माता की जोड़ी का मिलान कर लेना आपको जवाहरलाल नेहरू से। उसके बाद में गरबा लिखा है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गरबा का जो संबंध है ना वो गुजरात से है। स्वलेखन, तो देखिएगा चौथे नंबर पे जो लिखा है ना स्वलेखन, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका डायरी लेखन से। अब उसके बाद में लिखा है मुक्तक छंद पाँचवें नंबर पर, तो मुक्तक छंद का जोड़ी का मिलान आपका किस से होगा, केचवा छंद से। उसके बाद तो देखिएगा तो क्या है, निपात शब्द है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को यहाँ तक का पूरा सोल्यूशन कम्प्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर दो में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग यहां से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी सतसई किस काल की रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिहारी सतसई जो है ना ये रीति काल की रचना है, कौन से काल की, रीति काल की रचना मानी गई बिहारी सतसई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा चपरासी के पास गया, किसके पास, चपरासी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों धरातल पे बहने वाले पानी को कहते हैं पालर पानी, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना पालर पानी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है देवर्षि नारद को माना जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना, मूर्त इसके बाद रूप उसके बाद प्रदान और उसके बाद करना, मूर्त रूप प्रदान करना बिंब का शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं, औजगुण माधुरी गुण और प्रसाद गुण। उसके बाद में युग्म का क्या अर्थ होता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, क्या होता है इसका अर्थ, जोड़ा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पाँच में आपको सत्य असत्य देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लें। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा पंडित अलोपेदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, आपका बंटी तथा महाबोज उपन्यास मनु भंडारी के प्रसिद्ध स्तंभ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये बिल्कुल सत्य होगा, और लता के गायन में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो देखिएगा ये जो लिखा गया ना तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। रोला एक मात्रिक समचंद है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोगों को सत्य असत्य वगैरह देख लेने हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा है, क्या मधु आती थी एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, फिर मैं आपको इन सभी के उत्तर भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर छः को देख लें, सात को देख लें, उसके बाद में बाकी ये क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और नोट कर लेंगे। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आप सभी लोग यहाँ से पहले इन क्वेश्चंस को देख लें, नोट कर लें, फिर मैं आप सभी को इन सभी के उत्तर एक ही साथ में बता दूंगा। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ये इसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, और ये क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, ये 21 लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, और ये आपका 22 लिखा है, और इसके अलावा देखिएगा 23 लिखा है। अब चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23 तक के क्वेश्चन बता दिए, मगर मैंने आपको 6 से लेके 23 तक के क्वेश्चन के उत्तर नहीं बताए, तो चलिएगा इन उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा है पूरा का पूरा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें, जिसमें कि लिखा गया निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई दो अंतर बताइए, तो यहाँ से आप सभी लोग इन अंतरों को नोट कर लेंगे। अगला लिखा प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं बताइए, तो यहाँ पर प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं बताई गई है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, माई की आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको इतना नोट कर लेंगे, यहाँ तक का पूरा उत्तर प्यार विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकती हो भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यार विद्यार्थियों यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कि भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यार विद्यार्थियों, देख सकती हो द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएँ लिखी है। तो यहाँ से आप सभी लोग द्विवेदी युग के गद्य की विशेषताओं को नोट कर लेंगे। उसके बाद प्यार विद्यार्थियों ये अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जिसमें कि लिखा है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। यहाँ से आप सभी लोग निबंध को गद्य की कसौटी के बारे में लिख लें पूरा का पूरा और नोट कर लेंगे।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा गया है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाए धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे और पूरा का पूरा याद भी कर लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो देखिएगा ये भी आपके पेपर में से पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इसको भी याद कर लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इसको भी आप सब लोग याद कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कि भारतीय संगीत जो है ना मुख्यतः किससे संबंधित है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख सकते हो, इंटरनेट पत्रकारिता से दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिएगा ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा, आप सब लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लें। और ये इसके अतवाला क्वेश्चन लिखा है, पटकथा लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिएगा पटकथा लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पर आपको बताई गई है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये लिखा है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग वीर रस की परिभाषा को नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये लिखा है, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है यहाँ पर बताया गया है, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। तो काव्य में ओज गुण किसे कहा जाता है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिएगा मुहावरे कुछ डूबकेतों को किन तिनके का सारा कंगाली में गीला आटा, तो इनको आप लोग देख ले पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा राष्ट्रभाषा के आप क्या समझते हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो जिसमें कि लिखा है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। तो मिश्रित और संयुक्त वाक्य में यहाँ से आपको अंतर बताना है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, उसका होश उड़ गया, उसके होश उड़ गए। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय भी दिया गया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा ये इनकी रचनाएँ हैं, ये भावपक्ष इनका, और ये इनका कला पक्ष लिखा है, और ये हिंदी साहित्य में स्थान लिखा है। उसके बाद में दुष्यंत कुमार का भी जीवन परिचय याद कर लें, ये रचनाएँ लिखी गई है, और ये भावपक्ष लिखा है, और ये कला पक्ष लिखा है, और ये हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इनको नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कृष्णा सोपति का जीवन परिचय। तो दो रचनाएं यहाँ पर बता दी, भाषा शैली आपको बतानी, तो भाषा ये दिखाई दी, और ये शैली ये लिखी है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन है, डूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका भाव विस्तार करना था, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। अब उसके बाद में अथवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन का उत्तर ये दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को रोक कर भी इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, मगर मैं आपको जल्दी जल्दी पूरा बता सकूं, इसलिए मैं आपको जल्दी वीडियो बनाकर बता रहा हूं, ताकि आप सभी को समझ में आ सके अच्छे से। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें कि आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी थी, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, और व्याख्या ये यहाँ पर नीचे आपको दी गई है। तो ऐसे आप सभी लोगों को इनको नोट कर लेना पूरा यहाँ तक का, देखिएगा जो कि मैंने आप सभी को बता दिया विशेष ये लिखा है। और इसके बाद में अगला लिखा है ये, धनराम और पकड़ा दी। तो देखिएगा ये भी आपका संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है, तो ये संदर्भ लिखा है, ये प्रसंग लिखा गया है, और ये व्याख्या की गई है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको इस प्रकार से देख लेंगे पूरा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कि आपसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र था, तो इसको भी आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन मत छोड़े प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग पूरा का पूरा नोट कर लें यहाँ से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ तक का पूरा सोल्यूशन दे दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।